कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? साहिबगंज से आ रहे हैं। साहिबगंज। साहिबगंज से क्या नाम है? अभेद जैन। डीएल है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैगी, एक्चुअली रात में अब घर में खाना नहीं मिलेगा तो हम यहाँ मैगी मिलता है तो इसीलिए है, फिर घर जाएंगे। डीएल दिखाइए आप। इसमें आप लोग साथ में हैं? हम और ये, मैं उनके साथ। क्या नाम बीच है? वाले ने। मेरा नाम दीपक भैया। रांची में कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? हरमून रोड में रहते हैं, विद्यानगर में ऑफिस है, ठेकेदारी करते हैं। दिखाओ डीएल। कहाँ गया यहाँ पर का अफसर? इधर आइए, इनका डिटेल्स लिखो एक बार। लाइसेंस नहीं है इनके पास, लाइसेंस प्रोड्यूस करेंगे आप। कहाँ से आ रहे हो? सर कमड़े से आ रहे हैं। कमड़े से इतनी रात में? सर एक सुफियान मेरा दोस्त रहता है, आपको डरना है। थोड़ा साइड करो। हेलमेट कहाँ है? ये तुम लोग मतलब जो सर्वर है वो पत्थर का है क्या? हर रोज रांची में डेथ हो रहा है बिना हेलमेट। साइड लगाओ, चेक करो इनको जरा, सर्विस करो। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, हेलमेट उतारो जरा सर। ठीक है, चला रहे हो? मूवी देख। मुँह खोलो जोर से। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? क्यों नहीं लगाते यार तुम लोग हेलमेट? उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, खोल के देखो, चेक करो इनको। गाड़ी की पेपर करो। ठीक, देखो चलो, हेलमेट पहन के चलना है हमेशा। ठीक है, हाथ में रखने के लिए नहीं सर। तो हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर आए सर, पानी तो गड़बा की और निकलती है सर, वो गाड़ियाँ आती है। कितने बजे से कर रहे हो? सर 10 बजे से। सेट है गाड़ी, वो चेक करोगे? ठीक है, सबको बुला लो एक बार। जितना तुम लोग पीसीआर से हो, बिना पीसीआर के इधर आओ। लोकेशन यही भी बना रखा आप लोगों ने? भ्रमण करते हुए उधर से आए। कहाँ से? कितना एरिया देख रहे हो अभी? दो लोग हैं आप लोग। सेट रखा? कौन से चैनल पे है? चैनल वन पे है। चैनल वन पे आप लोग क्या क्या देख रहे हो अभी? अड्डेबाजी सब करते हैं। सब जगह यही देखना है, अगर अनावश्यक लोग मिलते हैं अड्डेबाजी करते हुए उनको भगाना है। दिक्कत आती है वायरलेस पे तुरंत सूचना देनी है। ठीक, यहाँ पे ये लोग काम करेंगे, अपना काम करिए आप लोग जाके। बढ़ो, आप लोगों को क्या करना? इधर आओ। ये जिगजैग जो ना थोड़ा ठीक से लगाना है, इतना बड़ा गैप छोड़ोगे तो यहाँ पे खड़े होके गाड़ी रोकोगे ना इस जगह पे खड़े होके, वो तेज़ी से निकल जाएगा। थोड़ा ये क्लोज रहेगा, उसको स्लो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सुरक्षा का ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा ब्रीफ ठीक से करो, वायरलेस को एकदम यूज़ करना है। जो भी गाड़ी संदिग्ध लग रही है उसको रोक के डिक्की खोल के चेक करो, लोगों का डीएल भी मांगो। बिना हेलमेट के लोग जा रहे हैं उनको टोको, उनका चालान ऑटोमेटिक ही कटेगा, लेकिन उनको टोकना है ज़रूर। सबकी एंट्री बनाओ, लॉक बनाते रहना है। और अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता है, तेजी से भाग जाता है, क्या करोगे? सर वायरलेस से इंफॉर्मेशन, तुरंत इन्फॉर्म करोगे, आगे वाला प्रोसेस को डिटेन करेगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रांची की पेरीफेरीज पे चेकिंग लगाया गया है, जो कि बेसिकली नाइट चेकिंग है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है, अगर रात में किसी भी आपत्तिजनक वस्तु के साथ शहर के अंदर घुसता है तो उन लोगों पे हम लोगों की निगाह है। साथ साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसे है, ऐसी जगह है जहाँ हमें सूचना मिलती है कि लोग अड्डेबाजी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ भी एक तरीके से अभियान है कि लोग जो है अनावश्यक रूप से देर रात तक बाहर नहीं रहें। अगर कोई संदिग्ध वहाँ पर भी दिखता अड्डेबाजी करता हुआ तो उसको हम लोग तुरंत डिटेन करते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके का क्राइम नहीं कर पाए। कुछ लोग ट्रैफिक नियम की अनदेखी भी कर रहे थे, कुछ लोग मैगी और सैर सपाटे करने के लिए भी निकले थे।
देखिए ट्रैफिक नियम की जो अनदेखी कर रहे हैं उनको हिदायत दी गई है, बिना हेलमेट वाले लोगों को हम लोगों ने अलग से चालान तो नहीं काटा, लेकिन निश्चित तौर पे ऑटोमेटिक चालान का कट जाएगा। वैसे लोग जो देर रात में निकलते हैं, मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि आपकी सुरक्षा के लिए भी है, रात में बहुत ज़्यादा भ्रमण नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आप निकलते हैं, अगर किसी तरह की घटना हो जाती है तो पुलिस का प्रेजेंस हर जगह बना हुआ है, आप तुरंत सूचना दीजिए। कई जगह पे इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स लगा हुआ है, तकरीबन 50 जगह पे स्मार्ट सिटी का ये इनिशिएटिव है। अगर अभी भी किसी को अगर दिक्कत आती है, वो बॉक्स से अगर वो कॉल करेगा तो स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में लोग उसको उठाएंगे और तुरंत वो पीसीआरस को टेट्रा के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। बट निश्चित तौर पर इतनी देर रात में लोगों का घूमना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं।